हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइटोन एजुकेशन। आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी 12th का सेकंड चैप्टर है अपने पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का अगर वेटेज देखें अपन नीट के अंदर, तो नीट में यहाँ से करीब करीब कितने क्वेश्चन आते हैं, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप नीट 2015 का लेके देखो, चाहे 2016 की फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, और 2017 के अंदर भी 18 में भी करीब इसका एवरेज वेटेज जो रहा है वो 4 से 5 क्वेश्चन रहा है, 6 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। तो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज अपन ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे अभी तक अपन। इससे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप और उसके इवेंट्स के बारे में देखा था कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो आज हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है वो प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि पादप जो होते हैं वो लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर जो प्रजननात्मक संरचना जो होती है वो कौन सी होती हैं, फ्लावर होती हैं या पुष्प होती हैं। ठीक है, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, यह एक रूपांतरित प्रहो भाग होता है जो पुष्प के अंदर विकसित होता है और आगे चलकर यह प्रजनन के अंदर भाग लेता है। तो इस पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के फंक्शन क्या हैं, क्या वो मैकेनिज्म होती हैं उनके अंदर। तो प्लांट जो होते हैं डायरेक्टली गेमेटोफाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ध्यान रखना, प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली गेमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनके अंदर पहले स्पोर बनते हैं, यानी कि स्पोर मदर सेल बनती है, फिर वो मियोसिस करती है और उसके बाद में गेमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद में नया प्लांट विकसित होता है। तो यहाँ अपन अगर बात करें तो जो प्लांट होता है एक नवोद्भिद आप कह सकते हो, यंग शूट जो होती है डेवलप हो रही होती है, वो जैसे जैसे मैच्योर होती जाती हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है किसी भी प्लांट की, या मैच्योर अवस्था जिसको बोलते हैं हम, अडल्ट फेज जो होते हैं, वो किसके द्वारा इंडिकेट होती हैं, फ्लावर के द्वारा। जब किसी पादप के ऊपर पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है। ठीक है, तो अब जो शूट सिस्टम था वो क्या करता है, मॉडिफाई होकर आगे फ्लावर बनाता है। जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया आगे एंथेसिस करते हैं और फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया होते हैं और एंथेसिस होता है जिसके द्वारा आगे फ्लावर बनाए जाते हैं। अब फ्लावर के भाग कौन कौन से होते हैं, फ्लावर में सामान्यतः 4 घेरे पाए जाते हैं। किसी भी टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 व्हॉर्ल होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे बाहरी, उसके बाद में अंदर वाला जो रेड कलर से शो किया गया है, फिर ये ब्लैक वाला और फिर ये ब्लू वाला। ठीक है, ये 4 पार्ट होंगे। तो सबसे बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, एक यूनिट जो होती है वो सेपल कहलाती है, और पूरा का पूरा वॉरल या जो घेरा होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है, ठीक है, जैसे ये एक फ्लावर है। तो ये पूरा का पूरा घेरा, यानी कि ये मेरी 10 अंगुलियां जो हैं ये कैलिक्स है, और ये अंगुली एक सेपल है, ये अंगुली एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, ये वाली कंडीशन है यहां पर। तो पूरा घेरा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कैलिक्स कहलाता है। तो हिंदी के अंदर अगर इसकी बात करें अपन, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं, और इस पूरे घेरे को बाह्य दल पुंज बोलते हैं। पुंज मतलब गुच्छा, बाह्य दल पुंज, घेरा। ठीक है, तो सेपल है सबसे बाहरी यूनिट और पूरा घेरा जो है वो कैलिक्स कहलाता है। सेकंड जो है, जो रेड कलर से शो किया गया है ये वाला, इसकी एक इकाई या यूनिट जो होती है वो पेटल कहलाती है या दल कहते हैं इसको, और पूरा का पूरा घेरा जो है वो क्या कहलाता है, कोरोला या दल पुंज कहलाता है। ठीक है, तो यूनिट जो है सबसे बाहर वाली सेपल एंड देन पेटल, और पूरे की पूरी कंपोजिट फॉर्म जो होती है वो सबसे बाहर वाली कैलिक्स और उसके बाद अंदर वाली जो होती है वो कोरोला होती है। कोरोला जो होते हैं वो ब्राइट एंड कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो जो पॉलिनेशन होता है, जिनके अंदर एंटेमोफिली पाई जाती है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और आकर्षित करने के लिए क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं और खुशबूदार भी हो सकते हैं। फिर तीसरा जो घेरा आता है वो होता है स्टेमेंस का। ठीक है, तो स्टेमेन मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमेन को क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा घेरा जो होगा वो एंड्रोसियम कहलाता है। ठीक है,
पूरा का पूरा घेरा। स्टेमन को हिंदी में पुंकेशर कहते हैं और एंड्रोसियम को पुमंग बोलते हैं। एंड्रोसियम को पुमंग कहते हैं और स्टेमन को पुंकेशर कहते हैं। थोड़ी सी हिंदी टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो उसकी एक यूनिट कार्पल या पिस्टिल कहलाती है और पूरा घेरा जो होगा वो गाइनोसियम कहलाता है या जायांग कहते हैं गाइनोसियम को, और पिस्टिल या कार्पल को बोलते हैं स्त्रीकेशर। तो ये तो बात हुई एक फ्लावर के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स की, ठीक है। तो इसके बाहर वाले जो दो घेरे होते हैं कैलिक्स और कोरोला, वो सपोर्टिव होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो सहायक जननांग होते हैं। और सबसे अंदर वाले जो दो घेरे होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो इसका महत्वपूर्ण अंग है किसी भी पुष्प का। तो गाइनोसियम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फीमेल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है या फीमेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टेमेन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को करता है। तो स्टेमेन मेल हो गया और गाइनोसियम या कार्पल जो है वो फीमेल हो गया। तो ये क्लियर हुआ कि चार घेरे हैं, सबसे बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन और फिर कार्पल, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब अपन अगर एक एक स्ट्रक्चर की बात करें, सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर इसको मैं बाहर निकालूं, ये वाले स्टेमेन को बाहर निकालूं, तो स्टेमेन जो है वो किस तरह का देखने को होगा, वो ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी। इसके लिए एनसीईआरटी जो वर्ड यूज करती हैं वो बाइलोब्ड और टेट्रा स्पोरेंजिएट वर्ड यूज करती है, यानी कि दो लोब हैं, द्विकोष्ठक है इसके अंदर और चार बीजाणु दानियां हैं। किस तरह की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वो सब अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आगे जब अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे। तो ये वाली संरचना जो तंतु जो होता है जिससे जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है, या इसे हम हिंदी में पराग कोश बोलते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बात करें अपन सबसे अंदर वाले हिस्से की, ठीक है, जो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ यूं है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है स्ट्रिग्मा, ये कहलाता है स्टाइल और ये कहलाता है ओवरी। वर्तिकाग्र, वृतिका और अंडाशय, ठीक है, इन तीन हिस्सों से मिलकर क्या बना होता है, एक कार्पल बना होता है। कार्पल और पिस्टल दोनों एक ही चीज है, लेकिन स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय ये तीनों कार्पल के भाग होते हैं, इन तीनों से मिलकर एक कार्पल का फॉर्मेशन होता है। ओवरी होती है और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लेसेंटा से जुड़े हुए आगे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसी भी फ्लावर की, अपन सिर्फ एनसीईआरटी देख रहे हैं, इसे एक्स्ट्रा अपन कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये एक पुष्प की क्या होती है, सामान्य संरचना होती है, जिसके अंदर चार घेरे पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है वो बाह्य दलपुंज होता है, फिर दलपुंज होता है, फिर पुंकेशर होते हैं, और फिर क्या होते हैं, स्त्रीकेशर होते हैं। तो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं और कार्पल होता है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी पूरी की पूरी, एक इकाई सेपल कहलाती है और पूरा कॉम्पोजिट फॉर्म के अंदर कैलिक्स, फिर पेटल, कोरोला, स्टेमन, एंड्रोसियम, कार्पल, गाइनोसियम, ठीक है। स्टेमन जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया, अभी अपन ने बात करी थी। और कार्पल जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से, ठीक है। तो ये है एक सामान्य पुष्प की संरचना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, कि मेल गैमेट फॉर्म जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सो हमसे जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच।